ये ना रोटी खाद पे खाएगा खाएगा जरूर पर है ना। खाना जरूरी है, खाना जरूरी है। ए गरीब चुम्मा लेने कौन जाएगा, मक्खन जैसा मक्खन बटी बोलो बोलो ना क्या चाहिए, तो क्या चाहिए बोलो तो सही। मेरा एक ही चीज पे फोकस था, करता हूँ उसकी व्यवस्था भी, उसकी व्यवस्था भी करता हूँ। लग गए गरीब लोग, Yeah.
मैं दाद देना चाहूँगा कि आपने जो दूध और यूज की उनका फ्यूजन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक फॉर्म में कमर बिल्कुल नहीं हिलानी और दूसरा फॉर्म कमर हिलाए बगैर पूरा हो नहीं सकता। ये बहुत डिफिकल्ट है, जो श्वेता आपने बहुत बखूबी निभाया है। जब आपने परफॉर्मेंस शूट की तब मैं थोड़ा सा डर गया, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि आपने जो कॉन्सेप्ट लिया वो जुगलबंदी का। तो जुगलबंदी में क्या होता है कि आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट जरूर कर सकते हैं लेकिन केमिस्ट्री तो नहीं आ सकती। तो मैं वेट कर रहा था कि इसमें केमिस्ट्री कैसे दिखाई दिया, लेकिन आपने आगे चलकर सही मौके आज की पहचान वो फ्यूजन में आपने वो केमिस्ट्री दिखाना शुरू किया। तब जाके उसकी माउंटिंग परफॉर्मेंस किसी सिर्फ कोरियोग्राफ करना अलग बात है और उसको माउंटिंग देना अलग बात है। तो दो लोग चिंता रहता है, दो लोग उसको सलाम है। और मैम आपसे, क्योंकि आप दोनों को साथ में ये करते हुए हमने भी नहीं देखा, अगर आप मंच पे आएंगे और करेंगे तो मेरे माँ के होते हुए और इस मंच करने का फैसला प्रशासन ने लिया है। दूसरी तरफ मुंबई को
टोका के चक्रवात तूफान से ज्यादा खतरा नहीं है, सादेशा है, लेकिन एहतियात के तौर पर मुंबई के समुद्र के तटों पर लोगों को न जाने के लिए कहा गया है। मछुआरे जो समंदर में गए थे उनको वापस बुलाया गया है और उसको हिदायत दी गई है कि वो दो दिन समंदर में ना जाए। दूसरी तरफ मुंबई के जो बीचेस है वहाँ पर लाइफ गार्ड तैनात किए गए हैं और इसको देखते हुए तो आप देख सकते हैं कि अभी भी मुंबई की जो पानी का जो बहाव है समंदर का उस पर ज़्यादा लहरें आपको उठती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी तक ये तूफान जो है वो गोवा के तट से 250 किलोमीटर दूर है। ब्रिटिश जर्नलिस्ट सौम्य जवान के साथ सुभाष के न्यूज कलेक्शन मुंबई। दक्षिण के राज्यों से सबसे ज्यादा ताऊते के कहर की तस्वीरें सामने आ रही है। यहाँ भारी बारिश से बहुत तबाही हुई है। केरल और कर्नाटक से जगह जगह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही। दक्षिण के राज्यों में ताऊते की तबाही के निशान समुद्र तटे इलाकों में बारिश और तूफान से कोहराम। जिन राज्यों में ताऊते की सबसे ज्यादा तबाही हुई है वो कर्नाटक है। कर्नाटक के 6 जिलों में बीते 24 घंटे में भारी बारिश देखने को मिल रही है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ की इन तस्वीरों में तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। समंदर की ऊंची ऊंची लहरें तबाही मचा रही हैं। किनारे बने दुकान मकान और बोट भारी नुकसान पहुंचा। कर्नाटक के जिलों में तिहत्तर गाँव में तूफान सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। इन जिलों में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। केरल में भी कर्नाटक की तरह हालात खराब। केरल के एर्नाकुलम और कोझिकोड जिले में तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। यहाँ घर समंदर में समा, घरों में पानी घुस गया। लोगों की मौत हुई है। करीब 2000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ राहत शिविरों में रहने को मजबूर। इन लोगों के लिए 71 राहत शिविर की व्यवस्था की गई। कई इलाकों में तबाही का मंजर नजर आता है। केरल के अबुजा में साइक्लोन के कहर से क्या हाल है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। गर्मी में सड़कों पर यहाँ नाव चल रहे, जगह जगह पानी भरा हुआ, आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई। केरल में शनिवार को औसतन 145.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि चक्रवाती तूफान से बिजली की सप्लाई और खेती को बहुत नुकसान हुआ। चक्रवाती तूफान की वजह से तमिलनाडु के कई तटीय जिले और लक्षद्वीप समूहों में अगले 48 घंटों में कर्नाटक के तटीय इलाकों में तेज बारिश की आशंका जताई गई, जिसकी वजह से पेड़ गिर सकते हैं, हाथ पूर्व के बने घरों को नुकसान हो सकता है और सभी भी प्रभावित हो सकती है। तूफान के कहर को देखते हुए राहत और बचाव का भी अलर्ट मोड था। वैसे तो दक्षिण से लेकर पश्चिम तक सभी राज्यों में ताऊते तूफान का कहर देखा जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा गुजरात में। तूफान के खतरे को देखते हुए क्या तैयारियां क्या की गई हैं, इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अलर्ट मोड में एनडीआरएफ। अरब का
गंभीर है। ऊंची ऊंची नहरें तटीय इलाकों में 90 किलोमीटर के घंटे के रफ्तार वर्षाओं के और खेलों के हिस्से में बारिश हो रही है। यहाँ के कई इलाके भारी बारिश के बाद जल भराव का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो 18 मई को तूफान दावे के गुजरात के तट पर पहुंचने का अनुमान है। 18 मई दोपहर या शाम तक चक्रवात को अंदर या नालिया से गुजर सकता है। अगले 4 दिन तक इसका असर देश के कई राज्यों में दिखाई देगा। इस दौरान हवाएं 150 किलोमीटर से 160 किलोमीटर रफ्तार तक चलने की संभावना दिखाई गई है। यहाँ तक की हवाओं की रफ्तार बीच में 175 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो तूफान दाउदी गोवा के तटीय इलाके से टकरा गया है और ये गुजरात की ओर बढ़ रहा है। तूफान दाउदी का खतरा गुजरात महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों पर मंडरा रहा है। तूफान दाउदी का असर पश्चिमी राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक केरल तमिलनाडु और लक्षद्वीप पर पड़ने की संभावना है। तूफान दाउदी के गुजरात की तरफ बढ़ने की वजह से ही मुंबई से उत्तरी कोंकण में कुछ स्थानों पर रविवार से तेज हवा के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। कर्नाटक के 6 जिलों में 73 गांव तूफान से प्रभावित है, जबकि राज्य में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। इन 6 जिलों में से 3 जमीन सीमा से लगे हैं और यहाँ पिछले 24 घंटे इसे आपको वैक्सीन नहीं लेना चाहिए क्योंकि ऐसा अभी एविडेंस नहीं है। हालांकि प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन के दौरान अभी आंकड़े आ रहे हैं, फिगर्स आ गई हैं कि उसमें वैक्सीनेशन सेफ है, लेकिन IVF के दौरान हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप वैक्सीन का प्रयोग ना करें क्योंकि ये अहम बात है। और ये जो डॉक्टर कह रहे हैं इस पर आप ध्यान दीजिए। और मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप किसी डॉक्टर के संपर्क में हैं, आपने जो आपके रेगुलर फिजिशियन हैं, तो उनसे ही जरूर संपर्क में रहिए क्योंकि आपकी